खुदानों को भी ये नाटक करना चाहिए, जिनको ये नाटक लग रहा है लोगों का काम करना। मुझे बताओ ये यहाँ पे लोगों की एप्लीकेशन आ गई, ये क्या पाने रहा पीता जेना, मैं क्या मजबूरी, मैं क्या मजबूरी कॉपारिश पायल रटने में, दर्द ये है दुख इन कागजों पे लिखे हुए, 2018 से उनके काम नहीं हुए। खुश रिश्तों में समझते हैं, लेकिन आज इनके पास पावर नहीं है। मर्द वो हुआ जो बिना पावर के काम करेगा। 2019 के बाद 20, 21, 22, 23 क्यों नहीं काम किया इन एक्स एमएलएस ने भाई? अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फेम बढ़ा रहा हूं तो काम करके ही बढ़ा रहा हूं ना, काम से ही लोगों को मेरे से मोहब्बत हो रही है ना। हम अगर लोगों का काम करना नाटक लगता है आपको, तो आपको भी ये नाटक सुबह शाम करना चाहिए। और उन पुराने सियासताओं, मुझे कहां बैठे थे काउंसलर डाउनटाउन के, बताओ मुझे कहां बैठे हैं अपटाउन के काउंसलर, बताओ मुझे कहां बैठे हैं सिविल लाइंस के काउंसलर, कहां बैठे हैं काउंसलर? इन्होंने अपना अपना काम मनते बाहर में जाए जनता, ये स्कीम सीखी है इन लोगों ने। मुझे बताइए अगर इस वक्त में ईदगाह से कोई बंदा फाइल लेके आ रहा है तो इसका मतलब ईदगाह के काउंसलर ने काम नहीं किया है। अगर कोई डाउनटाउन के काउंसलर, डाउनटाउन का पब्लिक आ रहा है यहां पे, इसका मतलब डाउनटाउन के काउंसलर ने काम नहीं क्यों किया? नजरअंदाज 2018, 19, 20, 21, 22, 23 आज वो अपना काम करके निकल गए जो उनको अपना काम करना था। आप क्या दिखाना चाहते हैं, प्रेस कॉलोनी में बैठ के क्या दिखाना? आप अगर अच्छा दिखाना चाहोगे तो अच्छा ही दिखेगा। आप अगर गलत तरीके से इसको, कोई बेरोजगार यूथ तो नहीं, पढ़ा लिखा यूथ हूँ ना, लेकिन अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कैमरा के पीछे आप खड़े हो, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो किस बात की तकलीफ है, किस बात की जलन हो रही है आपको जबरान डार से? आवाम का काम करने दो ना। मैंने तो कोई सियासत नहीं की, मैंने तो कोई वोट नहीं मांगे यहाँ पे, मैंने तो ग्रीवेंस ही सॉल्व की ना। अगर कुपवाड़ा से बंदा आता है मोबाइल टावर की रिक्वेस्ट लेके, तो बताओ कुपवाड़ा के एक्स एमएलए ने क्यों नहीं किया? जब इनके पास तू तू होता है, लाल बत्तियां होती है, तभी आपने आपको तमंगमा करी फॉलो का हंग तमंगमा पा की इंसान सूच का। अगर इतने लोग मेरे साथ है, इतने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी काम की वजह से कर रहे हैं। अगर किसी के घर में पाइप लग रही है, अगर किसी के घर में पानी आ रहा है, किसी के घर पानी का टैंकर जा रहा है, किसी की सड़क बन रही है, किसी का किसी की सीवेज साफ हो रही है, तो आप लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? आप मुझे बताइए, या तो आप सारे मीडिया वाले जो ये सवाल उठा रहे कि तुम नाटक करते हो, तो मुझे बताओ तुम एक तरफ, मैं एक तरफ, चाहो लड़ो मुझसे, मैं अगर डिपार्टमेंट से लड़ने के लिए तैयार हूं तो मैं, प्रॉब्लम क्या है? What is wrong in that? मुझे ये बताओ, ये बात समझाओ मुझे। मैंने कौन सा गुनाह किया अगर मैंने किसी की ड्रेन साफ करवाई? मैंने कौन सा गुनाह किया अगर मैंने किसी की पाइप लगवाई? मैंने कौन सा गुनाह किया अगर मैंने किसी स्कूल को ये बोला कि पढ़ाई सीधे से क्यों नहीं होती है? आपको पता है आज भी जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूल में बच्चे टाट पे बैठते हैं, कम विद बी महजूर नगर, कम विद बी बटमालू, कम विद बी लाल बाजार। आप किस चीज की बात कर रहे हो? अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो ना, राशन पे बात करो, चीनी पे बात करो, सड़कों पे बात करो। आप बात करेंगे, आप एक प्रोपेगेंडा लेके यहाँ पे आएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू सूट जबरान डार। जनाब देखिए, मैं सड़क पे करूंगा ट्रैफिक जाम होगा, मैं अपने दफ्तर पे करूंगा तो वो सियासत हो गई। मैं आप लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ, जिन लोगों ने काम नहीं किया, आप लोगों ने इन लोगों का काम नहीं किया। मैं आपसे मतलब आपका नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो एक्स काउंसलर रह चुका है, वो एक्स है, दे आर नॉट प्रेजेंट काउंसलर्स। कहां है वो लोग? अगर ये सड़क देखिए, ये आपको सड़क नहीं दिख रही है इस बंदे की? ये रहता है इस्लामिक कॉलेज में, ये बताइए, ये आपको सड़क नहीं दिख रही है? छेद नहीं, ये खड्डे नहीं दिख रहे आपको? ये नहीं दिख रहा है आपको? ये मखदूम साबुन श्राइन को ये रास्ता जाता है जहां लोगों की आस्था और उम्मीदें जुड़ी हुई है। 10 डिस्ट्रिक्टों से लोग आते हैं मखदूम साबुन में, तो बताइए क्यों नहीं हो रहा है मखदूम साबुन के रास्ते का मैगडम? अरे छोड़ो मत करो एयरपोर्ट के रास्ते को मैगडम, छोड़ो मत करो जबरान डार की कॉलोनी को मैगडम, छोड़ो मत करो मेरे अंग स्टाफ जो हो गए उनके घरों के बाहर मैगडम। वो तैयार है सफर करने के लिए, लेकिन मुझे बताओ मखदूम साबुन का रास्ता क्यों नहीं मैगडमाइज हुआ? क्यों नहीं हुआ? इस्लामिक कॉलेज का मैगडम क्यों, रोड क्यों नहीं मैगडमाइज हुआ? ये सवाल नहीं बनता है क्या? अगर ड्रेन बन गई, ड्रेन वालों ने पैसा डिपार्टमेंट को दिया, पैसा गया कहां, कहां लग गया पैसा? ये सवाल मैं नहीं उठाऊंगा। आपके पास लोग आ रहे हैं तो आ रहे हैं ना, ये क्या आ रही है? एप्लीकेशन आ रही है, ये कहां से आ रही है? कुपवाड़ा से आ रही है, सोपोर से आ रही है, बारामूला से आ रही है, डाउनटाउन से आ रही है, हिमका क्या आए, हिमालय में पान है, छुना वीडियो है क्या? वो छुना तो पान है, मैं उन्ना तवे, मैं उन तवे सुनो अच्छे से रहा है, इमन जर्नलिस्ट की बल बहा वो आया लुक किन्ना आया प्रॉब्लम है लुक किन्ना। मैंने इसलिए आप लोगों को ये दिखाया कि देखो लोगों के पास तकलीफें है, लोगों के पास प्रॉब्लम है, लेकिन बेटा बनो आवाम का, ये प्रोपेगेंडिस्ट मत बनो, बेटा बनो आवाम का और यहां पे आवाम का काम करो, चाहे आपको नाली क्यों ना साफ करे। आई एम नॉट सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर सिस्टम, मैं एक पार्टी के साथ एफिलेटेड हूं, लेकिन मैं सियासत करने नहीं आया हूं। अगर मैं दरगाह की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं दरगाह में इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूं, हां मैं दावे से बोल रहा हूं जिब्रान डार इज गोइंग टू कंटेस्ट छानापुरा। जिब्रान डार को बॉलीवुड में मजा नहीं है पॉलिटिकल में। जना देखिए मैं एक बात आपको बताऊंगा, ये आप लोगों की बड़ी गलत कहानी। अगर कोई इंसान किसी भी काम को लेकर मेहनत करेगा ना, ही विल गेट सक्सेस इन लाइफ। आप कैमरा लेके यहाँ पे जर्नलिस्ट बने हो तो आप कामयाब नहीं हो रहे हो। पूरा पे दाचुक पान करा दरफुदरी मा चुक करा
तेलिस मेहनत कर सुबह नठ बज शाम पांच बज क्या गए मगर ये काम पे ध्यान दी अगर वो काम पे ध्यान नहीं देगा फिर वो दरबदर है फिर ना उसमें सरकार का कसूर है ना उसके घर वालों का कसूर है फिर उस शख्स की अपनी इंडिविजुअल सोच है। देखिए जिबरान जी आपने कहा कि मैं यहाँ पे पता है कि जिबरानदार को छानपुरा में लड़ना है ये पता है ना आपको और मैं कहीं से नहीं लड़ूंगा सिर्फ छानपुरा से क्योंकि मुझे पता है छानपुरा में क्या तकलीफ है मैं छानापुरा की गलियों में बड़ा हुआ हूँ मैं छानापुरा की गलियों में खेला हूँ मेरी बात तो सुनिए तो मुझे वहां की सारी प्रॉब्लम्स का पता है वहां खड्डे कहां पे कितने मेन होले कितने ट्रांसफार्मर आई एम नोन टू दैट लेकिन अगर मैं सुबरा का हूं वहां का कोई एक्स एमएलए रह चुका है हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी का या काउंसलर्स रहे हैं वो पांच साल कहां थे आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो आप उनसे सुनिए आप उनसे सवाल पूछिए देखिए आपने कभी आप जर्नलिस्ट है ठीक है मैं सैल्यूट करता हूं आप निकले हो कश्मीर के मसलों को दिखाने के लिए मुझे बताओ किस काउंसलर के घर और दफ्तर आप गए कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ बताओ सुशगा जर्नलिस्ट राठी एप्लीकेशन का सबन गारा मन की कौन कैस गई दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म देखिए 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 काम पेंडिंग है काउंसलर के पास जी बिल डाली है मैडम क्यों नहीं डाला लेट बी कम्प्लीट मैं बताओ कह रहा हूं ना सो दैट मींस आप मान रहे हैं कि एसएमसी में स्कैम था जो वहां पे एक अखाड़ा बना हुआ था जहां पे हमेशा हमने डिप्टी मेयर मेयर के बीच में हमने तो आप मानते हैं कि वो स्कैम देखिए आमिर अतर साहब को आमिर अतर साहब स्मार्ट सिटी के सीईओ है उनको फंड्स आए वो फंड्स लग गए लग ना सड़कें बनी ना पोल लगे ना लाइटें लगी ना मैडम डला ना कलर हुआ ना फुटपाथ बनी ना तो मैं सैल्यूट करता हूँ आमिर अथर को उसको कोई सियासत नहीं करनी है उसको वो आमिर अथर कमिश्नर साहब है वो देख रहे हैं गवर्नर साहब फंड्स भेज रहे आमिर अथर लगा रहे लेकिन खुदा आ रहा मुझे बताओ अगर एसएमसी में फंड्स आए ये कहां गए ये सड़क अगर किसी तो के पांच लाख रुपए से यही बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना जो पैसे काउंसलर्स को आए कॉर्पोरेट्स को आप एक काम करो तो वो आप भी एक नागरिक होना आप एक नागरिक होना आप एक नागरिक होना चलो कल डीसी ऑफिस चलते हैं मिलके आरटीआई फाइल करते हैं हमें इंफॉर्मेशन निकलेगी कहां से कितना पैसा आया चलो ना उसको बोलते जर्नलिस्ट आप अगर खाली बात यहां पे छोटे मोटे मुद्दों की करोगे अप्रिशिएटेबल है लेकिन आप चलो चलो देखते हैं कितना पैसा आया कहां लग गया किस काउंसलर को कितना मिल गया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का फंड दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे लग गया और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 18 करोड़ कैसे लग गए वही मेरा मानना है कि आप मानते हैं कि ये स्कैम है देखो मेरा मानना ना मानना क्या करेगा लोगों को नहीं दिखता जम्मू कश्मीर में 80 लाख लोग हैं ठीक है 80 लाख इंटू 2 160,000 आंखें हैं लुकन छना पाए चूर कुछ लुकन छना पाए कम कम करना छा पाए कि ना सुमन में खुदारा आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस आई एम जस्ट गिविंग माई टाइम टू माई पब्लिक आज अगर मैं एक उसको पूछो मेजू नगर की ड्रेन क्यों ब्लॉक है वाइट फील्ड पूछो क्यों तुम में हिम्मत नहीं है पूछने की तुम जबरान डार से पूछ सकते हो क्यों क्योंकि मेरे को तो तू 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 नहीं है यहां पे 50 बंदे घेरा बंद के नहीं है ना तो वो काउंसलर है ना तो वो मिनिस्टर है तो फिर किस बात के 50 बंदे जवाब दो ना घर पे जाके खुद से ये सवाल करो कल जाके अल्ताफ साहब के घर पे ये सवाल पूछना।